हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज प्लान ये है, अभी हम जाएंगे वसुधारा फॉल, हेमकुंड वगैरह और माणा विलेज। तो लेट्स एंजॉय द डे। आज का फुल डे हमारा यही है कि हम पूरा एंजॉय करेंगे, उसके बाद कल मॉर्निंग से हम वापसी करेंगे यहाँ से। ये है पीछे का व्यू, होटल के पीछे का व्यू है, पूरा पहाड़ है यहाँ पे। बर्फ गिरी हुई है इधर। जल्दी कर दो, चल यार, चल अभी ये तैयार हो रहा है यार। मैं क्या वहां भी लगा, उधर भी लगा। रोहित भी अभी लेट लेजी क्या, ये बैठ गया। सब कुछ रेडी है मेरा, अभी वो प्रोटेक्टर्स। ओके, जोशीमठ के पास ये व्यू है यहाँ पे, और सामने देख रहे हैं वहां पे बर्फ गिरी हुई है। देखते हैं बद्रीनाथ में कहीं गिरी ना हो। यहाँ से हमें सीधा निकलना है हेमकुंड, वहां पे नहाएंगे, उसके बाद हमें मंदिर में दर्शन करने हैं और फिर हम जाएंगे माणा विलेज, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि ये इंडिया का लास्ट विलेज है, वन ऑफ द लास्ट विलेज। क्योंकि लास्ट विलेज तो बहुत हो गया हर जगह पे, बॉर्डर पे, तो उनमें से एक ये भी है माणा विलेज, जो कि यहाँ पे है उत्तराखंड का। ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ को 14 किलोमीटर ओली है, ओली भी काफ़ी बढ़िया है, बट अभी देखते हैं प्लान क्या बनता है, ओली जाने का बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ की ओर को। ये देखिए पूरा बर्फीले पहाड़, ये इलाका वही है जो मैंने होटल की बालकनी से दिखाया था, और मुझे लगता है कि इसी के ऊपर जो यहीं एक कहीं होटल है वहीं से ये व्यू दिख रहा था, और ये पहाड़ियाँ दिख रही थी, और नीचे जो चैम्बर बने हुए थे लाइन से वाइट कलर में वो बने हुए थे। तो वो यही है, ये रोड जा रही जो रोड बनी हुई है पूरी पहाड़ कट के। बस कुछ देर की बात है और हम होंगे ऊपर टॉप में। Staring down the barrel
और गाड़ी हमें लगा दी है पार्किंग में, मेरे जा रहे हैं मंदिर को। ये देखिए चलो चलो रोहित। हाँ कितने कितने वाला है प्रसाद? ये 100 वाला दे दो। और ये और वो दे दो। और वो कितने हैं? 100 वाली है, 150 वाली, 250, 500, 1500। चले यार माणा की ओर तो निकलते हैं यहाँ से। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर और मैं अब जा रहा हूँ इंडिया के लास्ट विलेज में, इन पहाड़ी से होते हुए। बारिश भी हो रही है यहाँ पे, बट हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई है कि हमारे जो दो पार्टनर हैं उनका टायर पंचर फिर से, इस बार दूसरे वाले का। रोहित का टायर पंचर हुआ था, इस बार कनक की गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए थे। और उसके बाद अब वो पहुँचे, अब जैसे वो पहुंचे अब हमारा निकलने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं माणा को। तो दोस्तों अभी यही प्लान है फिलहाल और देखते हैं अभी माणा में दिखते कैसा दिखता है वहाँ पे। 3 किलोमीटर है ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं शायद, उसके बाद माणा पास वो 60 किलोमीटर है, बट वहाँ पे जाना भी शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि वसुधारा फॉल जो कि वो हम मिस कर चुके हैं। अगर प्लान बनता है तो वसुधारा फॉल भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया है, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, देखते हैं कैसा। इट विल ओपन ऑन जून। यू आर फ्रॉम केरला? ओके। तमिल मलयालम? ओके। यस ओके ब्रो। एक फोटो की देख। इंडिया के लास्ट प्लेस में भी विजिट कर लिया है और वो भी अपनी बाइक से, एवेंजर से। इससे आगे कुछ है? इससे भी आगे कुछ है? क्या है? चल गांव तो है, उसे पता है। वाटर बोले आराम से आना, वाटर क्रॉसिंग तो मैं ले जाएगा। ओके
ये बर्फ का मजा लेते हुए बर्फ को हवा में ही खाने की कोशिश करें भैया द्वारा, काफी इंजॉय करते हुए पूरा लिफ्ट ले रहे हैं। काफी अच्छी बर्फ पड़ रही है ऊपर को, मजा आ रहा है। बद्रीनाथ से वापस जोशीमठ की ओर, जिसकी वजह से हम परेशान हो रखे हैं। कच्चा रास्ता है यहाँ पे, थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। और पहाड़ी देख रहे हो, बरसात में अगर आए और पहाड़ कैसे गिरने लग जाए, रिस्की है काफी, ना हॉट ना कोल्ड। मलबा गिरा है यहाँ पे भी, यहाँ से फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, पहाड़ियाँ क्रॉस कर करके हम पहुंचे बद्रीनाथ। ये कनेक्ट कर रहा है इस वाले पहाड़ को, अभी मैं इसमें पहुँ और इस पुल से हम अब इस वाले पहाड़ पे चढ़ेंगे इधर। ये जो रोड है, रास्ता खुला होना चाहिए यार। बस हर राइड का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और हम एक नए एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर वापस जा रहे हैं। इस राइड को नहीं, इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज दीज माउंटेंस आर कॉलिंग एंड वील बी बैक अगेन। थैंक यू, बाय बाय।